एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पुत्र का नाम गोपाल था। रामू गोपाल को सोने से पहले कहानियां सुनाया करता था। एक दिन रामू ने गोपाल से कहा, बेटा एक बात कभी मत भूलना कि भगवान सब कहीं है और हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं उसे जरूर देखते हैं। गोपाल ने इधर उधर देखकर पूछा बड़े आश्चर्य के साथ, पिताजी भगवान सब कहीं हैं तो हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं? रामू ने कहा, हम भगवान को देख नहीं सकते लेकिन वे होते हैं, सब कहीं हैं और हमारे सब कामों को देखते हैं। गोपाल ने पिता की बात याद कर ली। कुछ ही दिन बाद अकाल पड़ा। रामू के खेतों में कुछ भी अनाज पैदा नहीं हुआ। एक दिन गोपाल को लेकर रात के अंधेरे में रामू गांव से बाहर चला गया। वह दूसरे किसान के खेत में जाकर चोरी से एक गट्ठा अन्न काटकर घर लाना चाहता था। गोपाल को मेड पर खड़ा करके उसने कहा, तुम चारों ओर देखते रहना, अगर कोई इधर उधर आता देखे तो हमें बता देना। जैसे ही रामू ने दूसरे के खेत से अनाज काटने बैठा, गोपाल ने कहा, पिताजी रुकिए। रामू ने पूछा, क्यों, कोई देख रहा है क्या? गोपाल ने कहा, हाँ पिताजी देख रहा है। रामू खेत से निकलकर मेड पर आया। उसने चारों ओर अपनी निगाहें दौड़ाई लेकिन उसे कोई भी इंसान दिखा नहीं। जब कोई कहीं न दिखा तब उसने अपने पुत्र से पूछा, कहाँ कौन कोई देख रहा है? गोपाल ने उत्तर दिया, आपने ही तो कहा था पिताजी, ईश्वर सब कहीं होते हैं और सभी कामों को देख रहे होते हैं। कौन क्या कर रहा है वह आपको फसल काटते हुए क्यों नहीं देखेंगे? रामू अपने पुत्र की बात सुनकर लज्जित हो गया। चोरी का विचार छोड़कर वह घर लौट गया। इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे सभी काम को देख रहे हैं, चाहे अच्छाई हम कर रहे हैं या बुराई, हम सच बोल रहे हैं या झूठ, चाहे हम मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत। इसीलिए दोस्तों, कोई भी काम सोच समझ कर करें और यह दिमाग में रख कर करें कि ईश्वर सर्वत्र हैं और हमारे सभी कामों को देख रहे हैं। उसका फल हमें आज नहीं तो कल हमारे कर्म के अनुसार जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, जो अच्छाई, जो अच्छे कार्य हम दूसरों में देखना चाहते हैं या दूसरों से उम्मीद रखते हैं, वैसा खुद के अंदर भी बनाएं। सबसे पहले खुद को अच्छा इंसान बनाएं। कैसे लगी आपको आज की ये स्टोरी? और अगर आपको इस स्टोरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।